आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। रीवा में आज डीजल पेट्रोल में बेतहाशा वृद्धि एवं ई बिल के विरोध में मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन पत्र सौंपा है। एसोसिएशन ने आज काला दिवस मनाते हुए डीजल पेट्रोल में बेतहाशा वृद्धि एवं ई वे बिल के विरोध में विसंगतियों के विरोध दर्ज कराया है। एसोसिएशन ने ज्ञापन पत्र के माध्यम से मांग की है कि ट्रक मोटर मालिकों को 6 माह का मोरेटोरियम एवं रोड टैक्स में छूट दी जाए। मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने चेताया है कि अगर उनकी मांगों का निराकरण नहीं होता तो अगस्त के पहले ही सप्ताह में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कांग्रेस के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे। कलेक्टर साहब के यहाँ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर काला दिवस आज का 28 तारीख को हमारे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने काले दिवस के रूप में मनाने के लिए सभी एसोसिएशन के संबंधित लोगों को कहा है, क्योंकि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के बेहद इतनी ज़्यादा डीजल के रेट बढ़ चुके हैं कि आज आम जनमानस पर इसका प्रभाव आप लोग भी अपने उसमें जान ही रहे होंगे कि कितना ज़्यादा आदमी डीजल और पेट्रोल के कारण हम लोगों की गाड़ियां आज ये स्थिति में आ गई हैं, खड़ी करने की स्थिति में पहुंच चुकी हैं। अब मैं माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपने डीजल और डीजल का और पेट्रोल का रेट है जो घटाएँ और ई वे बिल को संशोधित करें। जो उनके नियम हैं वो नियम अपने ट्रक एसोसिएशन के हिसाब से बहुत कड़े हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी इसको सरल करें और आगे अपन अगस्त के पहले सप्ताह से ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एक साथ मिलकर, अगर ये हम लोगों की बातें नहीं मानी जाती तो हम लोग आने वाले समय में 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अनिल तिवारी, रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन।